24 घंटे पहले पब्लिक इंटरेस्ट में हमने आपसे जो कहा था एक बार वही हुआ, वही हो गया। दिल्ली में डीजल जेनसेट बंद होंगे। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बोल दिया, सर्दियों में प्रदूषण घटाने के लिए एनसीआर में जो कुछ हो रहा है उसमें डीजल जेनसेट पर प्रतिबंध भी शामिल है। इंडस्ट्री हो या घर हो, दुकान हो या पीएनजी। पीएनजी का नाम क्यों आया? वही पाइप नेचुरल गैस वाले जेनसेट अब इन सब जगहों पर चलने चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में आज आप देखेंगे कि जिस पीएनजी का ढिंढोरा पीटा जा रहा है राजधानी में उसकी कितनी व्यवस्था है, और अगर कोई पीएनजी जेनसेट लगाना चाहे तो जुगाड़ के अलावा कोई रास्ता है या नहीं। अक्टूबर महीना आने वाला है, सर्दी दस्तक दे रही है, सुबह शाम मौसम का मिजाज बदला है, लेकिन इस साल ये बदलाव दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए दोहरी चुनौती लेकर आ रहा है। इसकी पहली वजह है सर्दी में तेजी से बढ़ने वाला वायु प्रदूषण, और दूसरी वजह है CAQM यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का वो फरमान जिसके तहत 1 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में डीजल जेनसेट पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। वैसे तो हर सर्दी में दिल्ली प्रदूषण की मार झेलती है और प्रदूषण पर सियासत भी खूब होती है। क्या इस बार इन दोनों में कमी आएगी? अगर केजरीवाल की माने तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि इस बार जो बंदोबस्त दिल्ली सरकार ने किए हैं अब उनके अमल में आने से पहले ही दिल्ली में 30% प्रदूषण घटने का दावा आज दिल्ली के सीएम ने कर दिया। 2014 के मुकाबले आज 2023 में 30% पोल्यूशन में कमी आई है। 2014 में PM 2.5 149 होता था, आज PM 2.5 103 है। 2014 में PM 10 324 होता था, आज 223 है। एक और आंकड़ा मैं देना चाहता हूँ कि 2016 में प्रदूषण के हिसाब से अच्छी हवा 109 दिन होती थी, 365 में से 109 दिन अच्छी हवा होती थी। ये संख्या बढ़ के 163 हो गई है, अब साल में 163 दिन अच्छी हवा होती है। दिल्ली के फेफड़ों में प्रदूषण का जहर एनसीआर और साथ लगते राज्य भी भरते हैं। दिल्ली में 31% प्रदूषण अंदर से होता है और 69% बाहर से। दिल्ली की आबो हवा को साफ रखने के लिए पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान से भी बात होगी। आसपास के सभी स्टेट्स के साथ मिलके हमारी कोशिश है कि हम पोल्यूशन की गतिविधियों पोल्यूशन को कम करें। आसपास के स्टेट्स से हमारी अपील है कि जितने दिल्ली में व्हीकल्स आते हैं वो CNG के ऊपर करें। आसपास के जो एरियाज हैं, दिल्ली के NCR के एरियाज हैं, वहाँ पे पोल्यूटिंग फ्यूल वाली इंडस्ट्रीज को PNG में शिफ्ट किया जाए। केजरीवाल के एक्शन प्लान में दो बड़े दावे किए गए हैं। पहला ये कि दिल्ली में 1727 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां अब PNG पर शिफ्ट हो गई हैं। दूसरा दावा ये कि दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली सप्लाई होने से कोई डीजल जेनसेट नहीं चलता। मतलब 1 अक्टूबर से डीजल जेनसेट पर पाबंदी से पहले दिल्ली में लगे जेनसेट अपग्रेड कर लिए गए हैं, और पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए जो कसर बाकी रह गई है उसके लिए दिल्ली सरकार हरकत में है। पॉल्यूशन को सर्दियों में पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक 15-point विंटर एक्शन प्लान बनाया है। हमने 13 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। हर हॉटस्पॉट के लिए एक स्पेशल एक्शन प्लान बनाया गया है और उसके लिए एक वॉर रूम बनाया गया है। 13 स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं और वहां पे पॉल्यूशन को डाउन रखने के लिए स्पेशल फोकस किया जाएगा। डस्ट पॉल्यूशन को कम करने के लिए कई सारे स्टेप्स उठाए हैं। इस बार हवा को सुधारने की तैयारी बड़ी दिख रही है और दावे भी, लेकिन दिल्ली NCR पर इन तैयारियों का असर क्या होगा ये जल्द ही पता चल जाएगा। बस वो किसी प्रदूषण का शिकार नहीं होने चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।